राम राम जी, सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मोर ग्रुप एकेडमी में। लेकर आए हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चनों की सीरीज, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। इन वीडियोस के जरिए आप अपना टेस्ट लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में लिगामेंट नामक मुलायम ऊतक का क्या कार्य है? तो ये कार्य है जोड़ के डिसलोकेशन को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि मानव ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप से प्रतिनिधित्व करता है? तो ये कहा हिप्पोक्रेटस ने। ये कथन किसका है? हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल की गेंद दबाने पर कठोर लगती है? तो इसका सही आंसर है सॉफ्ट बॉल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वसा के पाचन में कौन मदद नहीं करता? तो इसका सही आंसर है एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मनुष्य के लिए क्या घातक है? तो इसका सही आंसर है LDL की मात्रा बढ़ जाना मनुष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या विषम है? तो इसका सही आंसर है बिलियर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या विषम है? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। इन चारों में से विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो इसका सही आंसर है पेरू के मनोवैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को सीखने के सिद्धांत हेतु रसिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर है पेवलोव को। रसिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया पेवलोव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संधि की चोट नहीं है? तो इसका सही आंसर है ये है स्ट्रेन संधि की चोट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे हृदय में कितने पंप होते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारे हृदय में 2 पंप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय कितने सेकंड के लिए आराम करता है? तो इसका सही आंसर है हृदय 0.4 सेकंड के लिए आराम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में ताप स्पिन किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर है रिबाउंड करके कोण को छोटा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस खेल में अगर बॉल को कट या चोप साप मारा जाए तो निम्न में से क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कहां से और कब हुई? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई 1930 में हैमिल्टन में। 1930 से हैमिल्टन में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका और एशियन देशों के मध्य होने वाले विशेष खेलों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ये कहा जाता है एफ्रो एशियन खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्कूल के खेलों को कौन संचालित करता है? तो इसका सही आंसर है ये करता है SGFI, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एथेंस में ओलंपिक के आयोजन स्थल तक मशाल लाने की परंपरा को शुरू किया? तो इसका सही आंसर है ये किया एडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस चोट का उपचार आप स्वयं साधारण रूप से नहीं कर सकते? तो इसका सही आंसर है फ्रैक्चर का। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ी किस चोट के बचाव के लिए सिन गार्ड पहनते हैं? तो इसका सही आंसर है गुम्बद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल में सामान्यतः सबसे अधिक फुट डिसलोकेशन होता है? तो इसका सही आंसर है सबसे ज़्यादा फुट डिसलोकेशन होता है जिमनास्टिक में। अगला क्वेश्चन, ब्लड प्लाज्मा में पानी का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही आंसर है 90%। प्लाज्मा में पानी 90% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय कॉफ़ी कोला ड्रिंक आहार संबंधित दवाइयों में कौन सा उत्तेजक सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है कैफीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल में सबसे अधिक डिसलोकेशन नामक चोट लगती है? तो इसका सही आंसर है जिमनास्टिक में सबसे अधिक डिसलोकेशन चोट लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मांसपेशी में मायोसिन का प्रतिशत 50 से 55 हो तो एक्टिन का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 20 से 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अंतःश्वसन में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा 20% हो तो बाह्य श्वसन में लगभग कितनी होगी? तो इसका सही आंसर ये होगी 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्मोनरी एडिमा नामक विकार में निम्न में से किसमें तरल पदार्थ भर जाता है? तो इसका सही आंसर ये भर जाता है वायु कोष्ठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी नामक यंत्र द्वारा किस दौरान मांसपेशियों की क्रियात्मक क्षमता मापी जाती है? तो इसका सही आंसर है संकुचन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेन नामक चोट घुटने, कलाई या टखने में निम्न में से कब लगती है? तो इसका सही आंसर है ये लगती है अधिक मुड़ने वाली गति होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई अभ्यास स्ट्रेस फ्रैक्चर से संबंधित होते हैं जिससे हड्डियों में बाल आ जाता है, शरीर के किस अंग में लगती है? तो इसका सही आंसर है ये लगती है पैरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक आउटपुट निलय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा से संबंधित अवधि के संबंध में क्या सही है? तो इसका सही आंसर है एक मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यह कथन किसके लिए सही है? ऐसी मशीन जो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका सही आंसर है ये है मांसपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शारीरिक अंग फ्लैट बैक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ये संबंधित है लंबर कमर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग फेफड़ों में भोज्य पदार्थों को नहीं जाने देता? तो ये है इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस अंग फेफड़ों में भोज्य पदार्थों को नहीं जाने देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किसने लड़कों के लिए स्काउट शुरू की? तो इसका सही आंसर है ये शुरू की बैडन पावेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विद्यालयों के खेलों के विकास के संबंध में भारत सरकार ने किस संस्था का गठन किया? तो ये किया SGFI का, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ये है बी, पानी में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी लार ग्रंथि में से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो इसका सही आंसर है ये निकलता है टाइलिन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वॉलीबॉल खेल से क्या संबंधित है? तो इसका सही आंसर है अटैक लाइन, वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हृदय के किस भाग में महाधमनी जुड़ी रहती है? तो इसका सही आंसर है ये जुड़ी रहती है बाएं नीले से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से लचकता किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है लचकता आइसोटोनिक गति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल में एक टीम में पुरुष और महिला दोनों रहते हैं? तो इसका सही आंसर है कॉर्फ बाल में, पुरुष और महिला दोनों रहते हैं एक टीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैराकी की कितनी शैलियाँ होती हैं? तो इसका सही आंसर है तैराकी की 5 शैलियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी ने गोल्डन हैट्रिक नामक पुस्तक लिखी? तो इसका सही आंसर है ये है बलबीर सिंह। बलबीर सिंह ने गोल्डन हैट्रिक नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में एथलेटिक की एक स्पर्धा में एक देश से कितनी एंट्री आ सकती हैं? तो इसका सही आंसर है ये आ सकती हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना फारेनहाइट होता है? तो इसका सही आंसर है ये होता है 98.4 डिग्री फारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मुख्यतः किसके कारण थकान होती है? तो इसका सही आंसर है ये होती है दुग्धीय अम्ल के कारण, लैक्टिक एसिड के कारण। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक के समापन की घोषणा कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ये करता है IOC का अध्यक्ष। ओलंपिक खेलों के समापन की घोषणा करता है IOC का अध्यक्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल के दौरान अगर बॉल गोलकीपर के पैड में फंस जाए तो मैच पुनः कैसे आरंभ होगा? तो ये होगा बुली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंची कूद का लैंडिंग एरिया कितना होता है? तो इसका सही आंसर होता है 6 और 4 मीटर, 6 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा।